मेरे पास जो मैटलैब का वर्जन है वो है 2015, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे मैटलैब पे 4 टैब्स शो हो रही है। उनमें से एक है करंट फोल्डर, दूसरी है कमांड विंडो, तीसरी है वर्कस्पेस और चौथी है कमांड हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करंट फोल्डर की। यहाँ पे आप अपना फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपने अपना डाटा सेव कराना है। यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया वो मैटलैब का फोल्डर है, जो कि आपको पाथ से भी नजर आ रहा है कि सी यूजर्स एडमिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैटलैब का फोल्डर है और यहाँ ये फोल्डर मैंने चूज किया हुआ है। अब बात करते हैं कमांड विंडो की। कमांड विंडो के अंदर जब भी ये दो साइन नजर आ रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि मैटलैब रह रही है यूजर से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे हम इनपुट्स देंगे, डिफरेंट कमांड्स लिखेंगे और साथ ही हमें रिजल्ट भी शो होगा। फर्ज करें मैंने x के अंदर 1 वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैं ये लिखूंगा x इज इक्वल टू 1 और साथ ही आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 शो कर रहा है। और अगर मैं वर्क स्पेस के ऊपर नजर डालूं तो मैं देख सकता हूं कि x नेम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और उसमें 1 वैल्यू स्टोर है। साथ ही कमांड हिस्ट्री के अंदर मैं देखूं तो मैं शो कर रहा है कि मैंने प्रीवियस कमांड्स कौन सी यूज की है। अब अगर मैं y लिख के एंटर करता हूं तो मुझे ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? इसकी वजह यह है कि y नेम का मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अब मैं y नेम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, y इज इक्वल टू x प्लस 10। मैं एंटर करता हूं तो y इज इक्वल टू 11 मुझे ये शो कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर इसमें से मेरे पास कोई टैब शो नहीं हो रही तो उसका क्या तरीकेकार है कि मैं उसको फ्रंट पे लेके आऊं। फर्स्ट करें अगर मेरे पास कमांड हिस्ट्री की जो है टैब है वो क्लोज मैं करता हूं, यहाँ पे मेरे पास कमांड हिस्ट्री की टैब शो नहीं हो रही, तो उसके लिए मैं जाऊंगा लेआउट में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टैब्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मुझे कमांड हिस्ट्री में की टैब चाहिए तो मैं कमांड हिस्ट्री में जाऊंगा और डॉट को मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड हिस्ट्री की टैब मेरे पास आ गई। आप चाहें तो इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने इसको करंट फोल्डर के नीचे प्लेस कर लिया, मगर मैं इसको वापस वर्क स्पेस के नीचे ले आता हूँ। अगर आपने अपना वर्क स्पेस जो है वो एम्प्टी करना चाहते हैं, जितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कमांड है वो है क्लियर, clear क्लियर, और मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेस एम्प्टी हो गया। अगर मैं चाहता हूं मैं कमांड विंडो के अंदर ये जो पिछली जितनी भी कमांड है क्लियर करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा clc एंटर, तो आप देख सकते हैं कि कमांड विंडो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मैटलैब के अंदर हम मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह के मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और भी बहुत कुछ जो कि हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि एक साल के अंदर कितने सेकंड्स हैं। तो हम इसके लिए लिखते हैं एयर अंडरस्कोर सेकंड इज इक्वल टू, एक साल में 365 डेज होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो साथ ही मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि एक साल के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है, मेरे पास एक डिस्टेंस गिवन है ए टू बी, ये है 10 मीटर, मैं लिखता हूं 10 मीटर एंटर, और दूसरा डिस्टेंस है मेरे पास सी टू डी, ये मेरे पास है 25 मीटर। तो मैंने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस ए टू डी, तो उसके लिए मैं लिखता हूं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ए तो यहां पे मेरे पास टोटल डिस्टेंस 35 आ गई। अब अगर आप एक चीज नोट करें आप, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने वेरिएबल्स नेम के अंदर
अंडरस्कोर का साइन भी यूज किया हुआ है। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि यहाँ पे यूनिट्स हम एंटर नहीं कर सकते, जिस तरह के डिस्टेंस का यूनिट मैंने मीटर यहाँ पे फर्ज किया हुआ है, मैं मीटर यूनिट एंटर नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ उसका डिजिट जो है वो 10 मीटर, तो मैंने 10 एंटर किया हुआ। और तीसरी बात यह है कि आप वर्क स्पेस के अंदर देखें कि जो मैंने चार वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो जो जिस ऑर्डर में है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो इस ऑर्डर में नहीं है कि जो वेरिएबल मैंने पहले लिखा तो वो पहले आ गया और उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर किया तो सेकेंड नंबर पर आ गया, नहीं, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो हो रहे हैं। और चलिए हम देखते हैं कि अब हम वेरिएबल नेम क्या रख सकते हैं, कि कौन कौन से रूल्स हैं कि हम वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। तो हम वेरिएबल नेम के अंदर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स दोनों यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1, साथ में लिखता हूँ स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल जी इज इक्वल टू 2, तो आप देख सकते हैं कि कोई एरर मेरे पास नहीं आया। अंडरस्कोर का आपने देख लिया कि हम वेरिएबल नेम के अंदर लेटर्स के साथ अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक्स टू इज इक्वल टू 25, मैं एंटर करता हूँ, तो हाँ जी हम वेरिएबल नेम के अंदर लेटर्स के साथ डिजिट यूज कर सकते हैं, मगर हम स्टार्टिंग हमेशा लेटर्स से कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग डिजिट से करता हूँ, बाद में लेटर लिखते हैं और इज इक्वल टू 3 करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये एरर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं कोई और करेक्टर लिख के, तो यहाँ पे मेरे पास पहली रेड साइन आ रहा है, इसको मतलब एरर है। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 3 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास वही एरर है। तो हम स्मॉल और कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, मगर सबसे पहले लेटर यूज करना है कोई ना कोई, और हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम्स में। यहाँ पे मैं अपनी कमांड विंडो को जरा एम्प्टी कर दूं। और अब आप चाहते हैं कि आपने ये जो वर्क स्पेस बनाया है, जिसके अंदर इसके अंदर वर्क स्पेस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उसको सेव कराना चाहते हैं अपने करंट फोल्डर के अंदर, तो आप सिंपल सेव लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि सेविंग टू सी यूजर्स एडमिन डॉक्यूमेंट्स मैटलैब, और किस नाम से सेव है, matlab.mat के नाम से, ये आप करंट फोल्डर के अंदर भी देख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अपने वर्क स्पेस को, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एयर, जो कि मैंने पहले यहाँ पे डिक्लेयर कराया था वेरिएबल, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है, केयर सेकंड के नाम से कोई वेरिएबल नहीं है। अब मैं अपने जितना भी मेरा प्रीवियस वर्क था वर्क स्पेस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे मैं उनको लोड कराना चाहता हूँ वर्क स्पेस के अंदर, उसके लिए मैं सिंपल लोड लिख के एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेस के अंदर मेरे पास सारे वेरिएबल्स वापस आ गए। आप एक चीज नोट करें कि जब मैं वेरिएबल लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास ये आउटपुट शो हो रही है। मैं चाहता हूं कि मैं आउटपुट शो ना करूं हर मरतबा कमांड विंडो के अंदर, तो उसका तरीके का ये है कि मैं x इज इक्वल टू 1 और सेमी कॉलन डाल दूंगा। तो अब जब एंटर करेंगे तो वर्क स्पेस के अंदर x इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर हो जाएगा, मगर यहाँ पे वो शो नहीं होगा। मैं एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल कमांड्स लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 23 सेमी कॉलन, b इज इक्वल टू 25 सेमी कॉलन, एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन के अंदर मैंने मल्टीपल कमांड्स यूज की हैं। आप चाहें तो आप एक ही कमांड मल्टीपल लाइंस पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया था और वही चीज मैं एक लाइन में लिख के दिखाता हूं। मैं लिखता हूं टोटल प्लस, मैं यहाँ पे 3 डॉट्स डालता हूँ। आप देख सकते हैं कि डॉट्स का कलर चेंज हो गया ब्लू में। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने कमांड की बाकी वेरिएबल्स लिखता हूँ। अगला वेरिएबल डिस्टेंस
तो ये देखिए, ये मैंने एक ही कमांड मल्टीपल लाइंस पे लिखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।